हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आधुनिक कला की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बंगाल शैली के बारे में पढ़ा था, कलकत्ता ग्रुप के बारे में पढ़ा था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रगतिशील कलाकार संघ को पढ़ेंगे, यानी पैक ग्रुप को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रगतिशील कलाकार संघ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैक ग्रुप भी कहते हैं, यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, यानी पैक ग्रुप भी पैक ग्रुप के नाम से जानते हैं। किसके? पैक ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई है? तो प्रगति प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई, यानी 1947 में हुई है। और इसका समापन कब हुआ है? 1952 में हुआ है। कब है? 1952 में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी स्थापना के पीछे कारण क्या था। किसकी? पैक ग्रुप की स्थापना के पीछे का कारण क्या था, ठीक है। चलिए समझते हैं। KHRA, यानी इनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण हबलाजी आरा, ठीक है, कृष्ण हबलाजी आरा। ये अपने चित्रों को कहाँ लेकर गए थे? तो ये अपने चित्रों को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में लेकर गए थे, ठीक। कहाँ की प्रदर्शनी में? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की, वहाँ पर एक प्रदर्शनी थी, ठीक है, जहाँ उनके चित्रों को क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कर दिया गया, ठीक है। तो वो चित्र कौन सा था? वो चित्र था राधा कृष्ण का, ठीक है। तो इसकी स्थापना के पीछे कारण ये था कि जो कृष्ण हबलाजी आरा थे, यानी KHRA, ये अपने चित्रों को ले गए थे, ठीक है, कहाँ पर? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में, ठीक, जहाँ उनके चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया, यानी वहाँ पर उनके चित्रों को रखने से मना कर दिया गया, ठीक है। तो उनका वो चित्र कौन सा था आपसे अगर पूछा जाएगा, तो वो चित्र था राधा कृष्ण। कौन था? राधा कृष्ण था उनका चित्र, ठीक है। कहाँ पर मना कर दिया गया था? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में रखने से मना कर दिया था। किसका चित्र था बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में रखने से मना कर दिया गया था? वो KHRA का चित्र था, ठीक है। और क्या किया गया था? इसको अस्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरा अपने मित्र फ्रांसिस न्यूटन सूजा के यहाँ गए। किसके यहाँ गए थे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा के यहाँ गए, जहाँ पहले से ही कौन मौजूद था? सैयद हैदर रज़ा मौजूद थे, ठीक है, सैयद हैदर रज़ा मौजूद। इन तीनों लोगों ने मिलकर एक नए किसकी कला संगठन की स्थापना कहाँ पर की है? तो मुंबई में की। कहाँ पर? मुंबई में की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं इसको अच्छे से। तो फिर क्या होता है, जब आरा उनके चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया, तो फिर वो अब कहाँ चले गए? वो अपने मित्र किसके पास गए? फ्रांसिस न्यूटन सूजा के यहाँ गए। कौन गए? आरा जो थे वो कहाँ चले गए? सूजा के यहाँ चले गए, ठीक है, सूजा के यहाँ चले गए थे, ठीक, जहाँ पहले से ही कौन मौजूद था? सैयद हैदर रज़ा मौजूद थे, यानी सूजा के यहाँ पर कौन था? सैयद हैदर रज़ा, ठीक है, सैयद हैदर रज़ा मौजूद थे, ठीक है। फिर क्या होता है, इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया? एक नए कला संगठन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एक कला संगठन की स्थापना की। कहाँ पर? तो मुंबई में करी, ठीक है। और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक। तो सैयद हैदर रज़ा किसके घर गए थे? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के यहाँ गए थे। वहाँ पहले से ही कौन मौजूद था? तो सैयद हैदर रज़ा मौजूद थे, ठीक है। और इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया था? एक कला संगठन की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी, ठीक है। और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, यानी प्रोग्रेसिव का पी, आर्टिस्ट का ए और ग्रुप का जी, यानी हम किस नाम से जानते हैं? इसे पैक ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है किसकी? पैक ग्रुप की। पैक ग्रुप की स्थापना हुई है 1947 में। कब हुई है? 1947 में। कहाँ पर हुई है? तो मुंबई में हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो 1947 में हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई? तो मुंबई में हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पैक ग्रुप के प्रेरणा स्रोत और संस्थापक कौन थे? तो पैक ग्रुप के प्रेरणा स्रोत और संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। कौन थे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, यानी फ्रांसिस का एफ, न्यूटन का एन और सूजा पूरे, ठीक, तो एफ एन सूजा, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, एफ एन सूजा, ठीक।
चलिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैग ग्रुप के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो आप कहेंगे फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब जानते हैं पैग ग्रुप के जो संस्थापक सदस्य थे उनके बारे में। ठीक है, तो पैग ग्रुप के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, तो पैग ग्रुप के संस्थापक सदस्य आपके आते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा यानी कौन, जिन्होंने पैग ग्रुप की स्थापना की थी। ठीक है, ये पैग ग्रुप के क्या थे, सचिव भी थे, संस्थापक भी थे और प्रेरणा स्रोत भी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैग ग्रुप की स्थापना किसने की, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने की है। ठीक है, तो इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है पैग ग्रुप का, और इन्हें पैग ग्रुप का सचिव भी बनाया गया था, और पैग ग्रुप के प्रेरणा स्रोत भी कौन थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है हमारे, कृष्ण हबलाजी आरा। कृष्ण हबलाजी आरा यानी इनके चित्र अस्वीकृत कर दिए गए थे, कहाँ पर, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में। ये क्या थे, ये पैग ग्रुप के जनसंपर्क अधिकारी थे। कौन थे, जनसंपर्क अधिकारी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैग ग्रुप के जनसंपर्क अधिकारी कौन थे, तो आप कहेंगे कृष्ण हबलाजी आरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सैयद हैदर रजा। कौन थे, सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा कौन थे, जो आपके आरा जिनके यहाँ गए थे, किसके यहाँ गए थे, आरा गए थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा के यहाँ। वहाँ पर पहले से कौन मौजूद था, तो सैयद हैदर रजा। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन है वो, सैयद हैदर रजा। ठीक है, ये पैग ग्रुप के क्या थे, चित्र संग्रह करता थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैग ग्रुप के चित्र संग्रह करता कौन थे, तो आप कहेंगे सैयद हैदर रजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब अन्य सदस्यों के बारे में जान लेंगे। कहाँ के अन्य सदस्य, पैग ग्रुप के अन्य सदस्य। ठीक है, तो पैग ग्रुप के अन्य सदस्यों में कौन है, आप क्या जाते हैं, हरि अंबादास गाड़े। ठीक है, हरि अंबादास गाड़े। ठीक है, ये क्या थे पैग ग्रुप के, तो ये कोषाध्यक्ष थे और पेंटर थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैग ग्रुप के कोषाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे हरि अंबादास गाड़े। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको चार नाम दे दिए होंगे कलाकारों के, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि पैग ग्रुप के कौन से कलाकार, तो आप ये नाम जानते रहेंगे तो आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सदानंद बाकरे। ठीक है, सदानंद बाकरे ये क्या थे, मूर्तिकार थे। यहाँ पर आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे, और यहाँ से आपसे पूछता है कि पैग ग्रुप के ऐसे कौन से कलाकार हैं जो मूर्तिकार थे, तो आप कहेंगे सदानंद बाकरे। ठीक है, नेक्स्ट कौन, और कौन से, और कौन से सदस्य थे, मकबूल फिदा हुसैन यानी MF हुसैन। ठीक है, इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे से। ठीक है, MF हुसैन। ठीक, चलिए कृष्णा खन्ना, और कौन थे, कृष्णा खन्ना थे, अकबर पद्मश्री। ठीक है, तो ये अकबर पद्मश्री को भी हम आगे भी पढ़ेंगे, किसमें, पैग ग्रुप के कलाकारों के। ठीक है, तो चलिए कौन कौन हो गए, हरि अंबादास गाड़े हो गए। ठीक है, ये क्या थे पैग ग्रुप के, कोषाध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाएगा पैग ग्रुप के मूर्तिकार कौन थे, तो आप कहेंगे सदानंद बाकरे। ठीक है, और कौन कौन थे, मकबूल फिदा हुसैन थे यानी MF हुसैन साहब थे, कृष्णा खन्ना थे। ठीक है, अकबर पद्मश्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, पैग ग्रुप की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, पैग ग्रुप की प्रथम बैठक, कौन सी प्रथम बैठक कहाँ हुई है, तो वो गिर गांव मुंबई में हुई है। कहाँ पर, गिर गांव मुंबई में आयोजित हुई है। ठीक, तो चलिए आपसे पूछा जा सकता है कि पैग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई, तो आप कहेंगे गिर गांव। आपसे पूछा जा सकता है कि गिर गांव है कहाँ, तो आप कहेंगे मुंबई में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, पैग ग्रुप की पहली बैठक हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पैग ग्रुप को संरक्षण। ठीक है, पैग ग्रुप को संरक्षण किसने दिया था, तो मुंबई औषधि निर्माता कंपनी ने दिया था। किसने दिया था, मुंबई की औषधि निर्माता कंपनी ने दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैग ग्रुप को संरक्षण किसने प्राप्त किया था। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, मुंबई औषधि निर्माता कंपनी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी। ठीक, प्रथम प्रदर्शनी, प्रथम बैठक हो गई, आपको पता चल गया। अब प्रथम प्रदर्शनी के बारे में जानेंगे। ठीक, तो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी कब, 7 जुलाई 1949 को। ठीक है, कहाँ पर, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी सैलून, जो आपका कहाँ है, बॉम्बे में, मुंबई में यानी। ठीक है, चलिए तो इसको जान लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई, तो आप कहेंगे 7 जुलाई को हुई। ठीक है, सन 1949 में हुई। कहाँ पर हुई, तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी सैलून में हुई, जो आपका कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, चलिए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, तो पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन, पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का अब उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था मुल्क राज आनंद ने। ठीक है,
तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, तो आप कहेंगे मुल्कराज आनंद ने किया था। किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने। तो प्रथम बैठक हो गई, प्रथम प्रदर्शनी हो गई, प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था, ठीक है। और जो पहली जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको पहले जितनी भी चीज़ें रही हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग, ठीक है, किसने बनाया था? तो ये सूजा ने बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने बनाया था, तो आप कहेंगे फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया था। किसने? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, ठीक है। तो पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पैक ग्रुप का घोषणा पत्र, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप का घोषणा पत्र किसने लिखा था, तो आप कहेंगे सूजा ने, ठीक है। किसने? सूजा ने। तो आपसे पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग भी किसने बनाया था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया था। और पैक ग्रुप का घोषणा पत्र भी किसने बनाया है? सूजा ने बनाया है। किसने? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पैक ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी, ठीक है, पैक ग्रुप की कितनी प्रदर्शनियाँ हुई थी? तो तीन प्रदर्शनियाँ हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कितनी हुई थी पैक ग्रुप की, तो पैक ग्रुप की तीन प्रदर्शनियाँ हुई थी और तीसरी प्रदर्शनी ही अंतिम प्रदर्शनी थी। किसकी? पैक ग्रुप की, ठीक है। और कब हुई थी? 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए कब हुई थी? 1952 में हुई थी, ठीक है। कौन सी? पैक ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पैक ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी का क्या कैटलॉग किसने बनाया था? तो कृष्णा खन्ना ने बनाया था। किसने बनाया था? कृष्णा खन्ना ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी का, कौन सी प्रदर्शनी का? तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने बनाया था? कृष्णा खन्ना ने बनाया था। किसने? कृष्णा खन्ना ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पैक ग्रुप के अनावृत चित्र बनाने वाले कलाकार, ठीक है, तो पैक ग्रुप के कैसे अनावृत चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? आरा है, सूजा है और अकबर पद्मश्री है, ठीक है। तो ये आपके तीनों कलाकार हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप के ऐसे कौन से कलाकार हैं जो अनावृत चित्र बनाते थे? तो कृष्ण हवला जी आरा बनाते थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा बनाते थे और अकबर पद्मश्री जी बनाते थे, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब कुछ प्रमुख चित्रकारों के बारे में जानेंगे। किसके? पैक ग्रुप के कुछ प्रमुख चित्रकारों के बारे में जान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एम एफ हुसैन, ठीक है, ये आपके पहले चित्रकार हो गए। और कौन कौन है पैक ग्रुप के? फ्रांसिस न्यूटन सूजा यानी एफ एन सूजा, कृष्ण हवला जी आरा, ठीक है, यानी के एच आरा, सैयद हैदर रजा, ठीक है, सदानंद बाकरे, हरि अम्बादास गाड़े और कृष्णा खन्ना, ठीक है, और अकबर पद्मश्री, ठीक है। तो ये कुछ हो गए प्रमुख चित्रकार किसके? पैक ग्रुप के। कौन कौन हो गए? एम एफ हुसैन हो गए, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ठीक है, कृष्ण हवला जी आरा, सैयद हैदर रजा, सदानंद बाकरे, हरि अम्बादास गाड़े, कृष्णा खन्ना और अकबर पद्मश्री, ठीक है। तो आई होप आपको पैक ग्रुप के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है, थीके? तो आप अच्छे से इन सबको तैयार कर लीजिएगा और कल पैक ग्रुप में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको करा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।